भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों छोटी सी वीडियो है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों हमारे एक भाई का कमेंट आया था, कमेंट का उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोला, चिराग चौधरी नाम है और रुड़की साइड का वो लड़का है। उन्होंने भाइयों हमारे कमेंट किया था कि भाई ट्रैक्टर के पंप देख के कैसे पता लगता है कि ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है। दोस्तों आज हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो है। वैसे बहुत भाई इस बुक के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो भाई नहीं जानते दोस्त उनके लिए वीडियो है। आप पंप में देख के, पंप के ऊपर जो नंबर है, सीरियल नंबर है, उसको देख के बता सकते हो कि ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है। दोस्तों हमारे पास दो ट्रैक्टर हैं फिलहाल। दोस्तों ये वाला ट्रैक्टर है, इसकी जो कंडीशन आप देख रहे हो कैसी है, और जो दूसरे वाला ट्रैक्टर है उसकी कंडीशन भी आप देख रहे हो कि कैसी है। और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कौन सा ट्रैक्टर नया मॉडल है और कौन सा ट्रैक्टर पुराना मॉडल है, ठीक है जी। वैसे एक्चुअल में क्या है कि जो आपको नया दिख रहा है ये रीपेंट ट्रैक्टर है, रीमोडिफिकेशन हुआ ट्रैक्टर सारा। और ये जो मॉडल है ये 99 मॉडल है, और जो ये वाला ट्रैक्टर है जिसकी कंडीशन आपको थोड़ी सी मतलब कि कम दिख रही है, रंग वंग थोड़ा सा चमक कम है, ये 2010 मॉडल ट्रैक्टर है, ठीक है। और आपको अगर हम बाय फेस ट्रैक्टर के बाय फेस देखें तो जो ये वाला ट्रैक्टर है जो जिसका रंग रूप अच्छा है तो ये ज़्यादा आपको नया दिख रहा है, ठीक है जी। आपको अब मैं यही बताऊँगा कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों आपको देखना क्या है कि ये नंबर लिखा होता है पंप पे, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, 010, ठीक है जी। आपको शुरू की डिजिट देखनी है, जैसे ये जीरो है दोस्तों तो जीरो का मतलब है कि या तो ये 2000 मॉडल होगा या 2010 मॉडल होगा। हमको पता कैसे करना है, पता ऐसे करना है कि 2010 तो दोस्तों ये हो सकता है, 2000 मॉडल ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2000 मॉडल में ना तो ऐसे स्टिकर आए थे, ठीक है जी, और ना जो रिम का जो साइज़ था, साइज़ तो खैर यही था, जो रिम का डिज़ाइन था वो ऐसा नहीं था, ठीक है जी, जो रिम का डिज़ाइन था वो ऐसा था, ठीक है जी। तो ट्रैक्टरों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल सटीक बता सकते हैं कि कौन सा मॉडल वो ट्रैक्टर है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि दूसरे ट्रैक्टर की, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये रंग रूप में बिल्कुल ही नया लग रहा है, ठीक है। जो इस पे जो पंप है, पंप पे जो लिखा है सीरियल नंबर, मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भले ही आपको नहीं अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पेंट हो गया ऊपर, एक मिनट दिखा रहा हूँ, इस पे शुरू में 8 लिखा हुआ है, देखो, ठीक है जी। 8 का मतलब है कि ये 98 मॉडल है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि 2008 मॉडल हो सकता है, ये 2008 मॉडल नहीं है, क्योंकि 2008 में जो वैसे तो जो इसकी सारी मॉडिफिकेशन है बिल्कुल नए जैसी हो रखी है, ठीक है, पता भी नहीं लग रहा कि 2008 है या 2018 है या 1999 है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि इस ट्रैक्टर का जो ये व्हील का ये प्लेट है पूरी की पूरी, ये पुराने मॉडल की है, ठीक है जी। ये शुरू में ऐसी आती थी, लेकिन अगर ये भी किसी भाई ने चेंज करवा दी, नए मॉडल पर डलवा दी, फिर हम कैसे पता करें। दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी ट्रैक्टर में होते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं जो कि आदमी नहीं चेंज करवा पाता, वो पुराने मॉडल के ही होते हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रैक्टरों के बारे में अगर आपको नॉलेज है कि कौन से सन में कौन से मॉडल की पट्टियाँ आती थी या कौन से क्या क्या उसमें चेंजेस आए थे, ठीक है जी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बाकी आपको मैंने सारा बता ही दिया, तो इसलिए मैंने दोस्तों दो ट्रैक्टर ऐसे इकट्ठे किए थे आज कि जिससे जो पुराने वाला ट्रैक्टर है वो नया लगे और जो नए वाला ट्रैक्टर है वो थोड़ा सा पुराना लगे, ठीक है जी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए दोस्तों, थैंक यू।